वो कहता है मेरी खुली जुल्फे पसंद है उसको। वो कहता है मेरी खुली जुल्फे पसंद है उसको। मैं ही नादान थी, दरअसल मेरे कंधे का वो तल कोई और देखे ये नापसंद है उसको। शुक्रिया। यहाँ प्यार इश्क मोहब्बत की महफिल रंग लाती है, इसलिए शुरुआत प्यार से की है मैंने। पर आज बात करूंगी कुछ बदनाम रिश्तों की। आप सब किसी बदनाम रिश्ते को जानते हैं? कोई ऐसा नाम किसी रिश्ते का जो बदनाम हो? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मेरी नजर में हर वो रिश्ता जो खून का नहीं है, मतलब जो हमने जन्म के साथ नहीं पाया, उसे हमने बदनाम कर दिया। कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल आगे बताती हूँ। कविता नहीं है, व्यंग है। तो माँ बेटी से शुरू करते हैं बदनाम रिश्ते। हर लड़की अपनी माँ से एक लाइन जब भी माँ डांटती है सुनती है, खबरदार सास सबक सिखाएगी। कुछ भी, सास सबक सिखाएगी। अरे अपनी बरसों की गृहस्थी को जो मेरे हाथ में थमाएगी, जो अपनी बरसों की गृहस्थी को मेरे हाथ में थमाएगी, बुखार आने पर मेरे सर पर पट्टी भी तो वही लगाएगी। अपनी जिंदगी भर की कमाई जो मुझे दे जाएगी, अपनी जिंदगी भर की कमाई जो मुझे दे जाएगी, अगर जरा सा डांट दे तो कौन सी आफत आ जाएगी। जिंदगी भर की कमाई से मेरा मतलब सिर्फ जमीन और जायदाद से नहीं है, एक माँ की सच्ची कमाई उसकी औलाद होती है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों में बड़ी बातें होती हैं। भाई तेरी आजादी तो गई, अब तो भाभी चाबी घुमाएगी। अपनी जिंदगी अपनी पहचान को छोड़कर जो तुम्हारे साथ आएगी, हर सुबह शाम मंदिर में दिया अपनी सलामती के लिए नहीं, तुम्हारी सलामती के लिए जलाएगी। वो अपना हक जताने पड़ोसी के पास जाएगी। ममाज स्टॉक, मम्मियां आंटियों की बातें, मोहल्ले की बातें। अरे दीदी संभल के रहना, ये आजकल की लड़कियां फिसल के ले जाएंगी लड़के को। लड़का है, टेनिस की बॉल थोड़ी निकाल के ले जाएंगे लड़के को। खैर, जिनके अपने घरों में आग लगी है, जिनके अपने घरों में आग लगी है, एक चिंगारी इधर भी डालती जाएंगी। जिनके अपने घरों में आग लगी है, चिंगारी इधर भी डाल जाती हैं, बेचारी उस लड़की को आने से पहले कटघरे में खड़ा कर जाती हैं। और हम पूरी तरह भूल जाते हैं वो अपनों को छोड़कर हमारे पास आई है, अपने साथ महज कुछ यादें ही लाई है। वो अपनों को छोड़कर तुम्हारे हमारे पास आई है, अपने साथ महज यादें ही लाई है। और तुम अपना कर तो देखो उसे अपनों की तरह, तुम अपना कर तो देखो उसे अपनों की तरह, वो घर को स्वर्ग बनाने की कला ईश्वर से सीख के लाए।